Welcome to Abhimanyu IAS. We are on this Abhimanyu IAS YouTube platform. HS result is out, and first of all, I congratulate all of you who have cleared the prelim examination, and a word of encouragement for the students who have not been able to clear. आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा. जस्ट ये प्रोसेस ख़त्म होने के बाद इट इज़ एक्सपेक्टेड कि नई वैकेंसीज आने वाली हैं और आगे PCS की वैकेंसीज भी आने वाली हैं. तो योर हैंड्स आर फुल. सो अगर आप नहीं भी क्लियर पाए, डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन एंड यू कीप योर प्रिपरेशन एज इट इज़ गोइंग. ठीक है ना. नाउ डेफिनेटली इट्स अ हैप्पी मोमेंट फॉर दोज हु हैव क्लियर द HS एग्जाम. दैट फर्स्ट स्टेज, दैट इज़ द प्रिलिम पार्ट. अब जैसे एक स्टेज हम क्लियर कर लेते हैं तो दूसरी स्टेज की टेंशन साथ में खड़ी हो जाती है ना. नाउ यू माइट हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मेंस एग्जामिनेशन, राइट. एंड HPSC ने रिजल्ट के साथ साथ ये भी बताया कि आपके जो मेंस हैं वो एक्सपेक्टेड हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. तो हाइपोथेटिकली आप लगा लिए 10 से 15 अक्टूबर तक अगर मेंस स्टार्ट होते हैं तो यू आर लेफ्ट विद 2 months टाइम, विच इज़ सफिशेंट फ्रॉम HS पॉइंट ऑफ व्यू, टेकिंग इन टू अकाउंट द पैटर्न ऑफ एग्जाम एंड ऑल. ठीक है. तो आई एम हेयर टू जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल गिव यू अ वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट कि 2 महीने आप अच्छी सी प्लानिंग करें और अच्छी सी अपनी स्ट्रेटजी चॉक आउट करें सो दैट यू कैन परफॉर्म और यू गिव योर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि किसी भी एग्जाम में सक्सेस के लिए प्लानिंग जो है दैट प्लेज़ अ की रोल. एंड प्लानिंग, अ गुड प्लानिंग इज़ वन विच टेक्स इन टू अकाउंट योर प्रिपरेशन स्टेटस नाउ एंड द टाइम अवेलेबल टू यू एंड वट इज़ रिक्वायर्ड इन द एग्जाम. ठीक है. 3 बातें हैं इसके अंदर. आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ठीक है ना. और दूसरा, आपके पास कितना वक्त है, कितना प्रिपरेशन टाइम है. कई लोगों के पास पूरा दिन फ्री हो सकता है, कुछ लोग जॉब कर रहे हो सकते हैं, कुछ लोग कहीं फंसे हो सकते हैं, बट अपना प्रिपरेशन टाइम हमें बढ़ाना पड़ेगा. एंड थर्ड इज़ इस ये एग्ज़ाम आपसे चाहता क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है इसके. ठीक है ना. तो आज का लेक्चर का जो मेरा विषय है बेसिकली वही एक आपको क्लैरिटी देना है कि अगर आप इस एग्ज़ाम मेंस के अंदर अपना बेस्ट देना चाहते हो तो किन बातों का आपने ध्यान ज़रूर रखना है, राइट. तो जस्ट एक फॉर द पर्पज़ ऑफ रिमाइंडिंग यू, ऑल दो आप सबको मेंस का पैटर्न पता है, तो लेकिन अगर हम देखें तो आपके मेंस के पेपर में पहले पैटर्न समझ लेते हैं. एक पेपर आपका इंग्लिश का है 100 नंबर का, जिसके अंदर एसे इंक्लूडेड है और इसमें कुछ ग्रामर का पार्ट, ट्रेसी का पार्ट ये आएगा. और दूसरा पेपर आपका हिंदी का है, एक ही पेपर हिंदी का होगा जिसमें आपका 100 नंबर का ये भी पेपर है जिसके अंदर ऐसे भी आएगा, हिंदी में लिखना हुआ एक प्रेसी और बाकी ग्रामर की चीज़ें आएंगी. तो ये 200 नंबर का जो पेपर है ये आपका, आपके पास 200 नंबर का पेपर आपका ये हमारे पास है इंग्लिश और हिंदी का, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम UPSC. UPSC में ये 2 पेपर हो सकते हैं लेकिन उनके मार्क्स ऐड नहीं होते, लेकिन यहाँ पे मार्क्स ऐड होते हैं. तो टोटल अगर 600 नंबर का आपका मेंस है तो 200 नंबर का मतलब रफली अराउंड 33% जो पेपर है वो आपका इंग्लिश और हिंदी का है, एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशन. फिर 200 नंबर का आपका GS का है और एक 200 नंबर का ऑप्शनल आपको सिलेक्ट करना है. तो मोस्ट प्रोबेबली जो GS का एक ही पेपर होगा 200 नंबर का और ऑप्शनल का एक ही पेपर होगा 200 नंबर का, ठीक है. तो रफली आपके 2 या 3 दिन के अंदर आपका ये पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, राइट. तो आपको ये समझ लेना है कि आपको बहुत कोई छुट्टी बीच में नहीं मिलने वाली है कि भाई एक दिन इंग्लिश का हो रहा है, 2 दिन छोड़ के फिर हिंदी का है, 2 दिन छोड़ के इंग्लिश का, ऐसा नहीं होने वाला. एंड एक्सपेक्टेड यही है कि 1-2 दिन 2 या 3 दिन के अंदर सारे पेपर ख़त्म हो आपके. सो वट एवर प्रिपरेशन यू हैव टू डन डू इज़ दैट यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर हैंड. तो ये एक तरह से एग्ज़ाम ने आपके आसपास बाउंड्री क्रिएट कर दी है कि आपको ये चीज़ तैयार करनी है और रिविजन टाइम आपके पास नहीं है. और आपको चारों पेपर के लिए, अगर सपोज 15 अक्टूबर को पेपर शुरू होते हैं तो 14 अक्टूबर 13 अक्टूबर 12 अक्टूबर को आपको चारों पेपर आपके प्रॉपरली तैयार होने चाहिए और आपकी कोई रिवीजन की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए. और आज आपकी तारीख होगी 10 तारीख तो आप रफली 2 महीने का वक्त अपने पास लगा के चलें, 10 अगस्त से 10 सितंबर और 10 सितंबर से 10 अक्टूबर. 2 महीने हैं, 60 दिन का टाइम है, विच इज़ मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस इतना कहता है, 60 दिन सफिशेंट होते हैं, ठीक है. अब देखिए, ये तो हो गया एग्ज़ाम का पैटर्न, विच इज़ बेसिकली पुटिंग अ लिमिटेशन अराउंड यू कि आपको ये चीज़ इतने दायरे में तैयार करनी है. अब उसके बाद आपका दूसरा आता है कि आपका प्रेजेंट स्थिति क्या है, प्रेजेंट स्टेटस आपका क्या है. अब देखिए, प्रेजेंट स्टेटस ऐसा हो सकता है आपका कि आपने प्रिलिम तो क्लियर कर लिया है लेकिन आपके इंग्लिश और हिंदी तैयार नहीं है,
या प्रेजेंट स्टेटस आपका ऐसा हो सकता है कि आपने ऑप्शनल अपना प्रॉपरली तैयार नहीं किया हुआ, या प्रेजेंट स्टेटस ऐसा हो सकता है कि जनरल स्टडीज़ आपकी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने तैयार करके ली, लेकिन आपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक एफर्ट्स अभी तक नहीं करें, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन पूछने का लहजा है और जो लिखने की तरीका है दैट यू हैव टू लर्न, वो आपने लर्न किया या नहीं किया। और हरियाणा के अंदर एक स्पेसिफिक स्टाइल है, स्पेसिफिक एक तरीका है मेंस आंसर राइटिंग का विच गिव्स यू मैक्सिमम मार्क्स, तो विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम्स एंड अदर यूपीएससी एग्जाम्स, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो अब इसमें मैं आपको छोटे से टिप्स देना चाहूँगा कि जो आप वट एवर योर पोजिशन मे बी एट प्रेजेंट, वट एवर योर पोजिशन मे बी, यू ऑल मे बी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रिपरेशन, लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि किसी की आप किसी को लग रहा हो मेरा प्रिपरेशन कम है तो दैट पर्सन फील्स डीमोटिवेटेड कि भाई नहीं मैं तो तैयारी कम है उसकी ज़्यादा है तो ऐसा कुछ हो जाएगा वैसा कुछ हो जाएगा, या किसी को लगता हो कि मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है तो मैं तो बेस्ट परफॉर्म करूँगा। देखिए सब कुछ ये 60 दिन पर निर्भर करेगा, आपने क्या किया हुआ है वो आपका एसेट है, लेकिन वो एसेट को आप बेस्ट पॉसिबल यूज़ तभी कर पाएंगे अगर आप 60 दिन अपनी तैयारी को प्रॉपरली प्लान करते हैं। यू कैन नॉट इग्नोर दिस 60 डेज, ठीक है। तो व्हाट माय स्ट्रेटजी इज़ गोइंग टू बी, देखो अगर मैं 10 से 12 घंटे की प्लानिंग लेके चलता हूँ कि 10 से 12 घंटे मुझे डेली तैयारी करनी है मेंस के लिए, जो करना बनता भी है, इससे ज़्यादा ही इससे कम नहीं, तो मैं 1.5 से 2 घंटे, 1.5 घंटा मैं इंग्लिश को लगाऊंगा, 1.5 घंटा मैं हिंदी को लगाऊंगा, ये मुझे ज़रूर लगाना है, ठीक है। और मैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है अपना, अराउंड 3 घंटे मैं ऑप्शनल को ज़रूर लगाऊंगा, ठीक है। और दिस और जनरल स्टडीज़ में आपके 3 से 4 घंटे मैं जेएस को, तो 6 और 3 9 10 घंटे आपके 10 घंटे का शेड्यूल ये बन गया कि आपने ये जो टाइम इन्वेस्टमेंट है ये तो हमें करनी ही है, ठीक है ना। और इंग्लिश और हिंदी को आपने किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना है, राइट। ये आपको बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि ये नहीं पता आपको इस एग्जाम्स में स्टेट सिविल सर्विसेज में ये नहीं पता होता कि किस एग्ज़ाम और किस पेपर के अंदर आप बेटर परफॉर्म कर जाएं। यू कैन नॉट गो विद दिस प्री कंसीव नोशन कि नहीं मेरा तो जीएस बहुत अच्छा है मैं बहुत अच्छा करूँगा, क्या पता ऐसा पेपर आ जाए जो आप नहीं कर पाएँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ जो आप नहीं कर पाएँ। आप कहें मेरा ऑप्शनल बहुत स्ट्रांग है, मैंने आईएएस के मेंस के लिखे हैं पेपर, मैं 3 बार लिख चुका हूँ, डेफिनेटली आपकी सिचुएशन स्थिति अच्छी है, लेकिन ये स्टेट लेवल एग्जाम्स के अंदर एक यू हैव देर इज़ अ कंसिडरेबल शेयर ऑफ अनसर्टनिटी कि पेपर कैसे डलता है। आप अपनी तैयारी के अंदर एक बैलेंस लेके चलेंगे तो आप एक बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। और इतना समझ लीजिए अपना कि इतना कोई हार्ड पार्ट फर्क नहीं पड़ता है, आप 200 में से सपोज अच्छी तैयारी आप 120 ले गए, 130 ले गए, है ना, 140 ले गए 200 में से, ठीक है ना, और नहीं आ पाए तो 100 110 आ गए अगर अच्छी तैयारी है आपकी, है ना। तो आपने अपना बैंड वही रखना है कि 120 से 140 नंबर की टारगेट आप ऑप्शनल में कर रहे हैं, जीएस में ठीक है 110 से 130 टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से टारगेट लेके हम लेके अप्रोच चलते हैं कि 60 में से हिंदी है तो 60-70 नंबर अगर ला सकते हैं आप, 60-70 नंबर इंग्लिश, फिर तो आप टॉपर ही हैं, है ना। लेकिन चारों चीज़ें क्या आप कन्वर्ट कर पाओगे, थोड़ा सोचने का विषय ये है कि चारों चीज़ें, जैसे मैंने आइडियलिस्टिक बोल दिया कि इतने इतने सब में आ जाए 60-70%, तो सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है बात, लेकिन प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि चारों चीज़ें आप कन्वर्ज कर पाओगे। अगर आप चारों चीज़ें कन्वर्ज कर गए फिर तो आप टॉपर हो ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना? लेकिन नॉर्मली जब तैयारी हम करते हैं तो चारों चीज़ें कन्वर्ज नहीं होती हैं, तभी हम बात करते हैं कि आप अपनी तैयारी में एक बैलेंस लेके चलिए कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश हिंदी को सोच लें कि मैं एंड में चलो 10 दिन लगा दूंगा, नो, ऐसा कुछ बच्चे करते हैं और धोखा खाते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे टाइम नहीं मिलता कई बार, और नहीं मिलता तो अल्टीमेटली सफ़र कौन करते हैं, इंग्लिश और हिंदी, है ना। तो इसलिए आपको अभी शुरू से एक कंसिडरेबल टाइम आपको इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश हिंदी में नंबर लेना इट्स अ फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस, कितनी प्रैक्टिस आप डेली करते हैं, डेली प्रैक्टिस एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ऐसे लिख के देख लिया, कुछ ग्रामर के याद कर लिए, है ना, कुछ टेस्ट पेपर दे लिए, वो ज़रूरी है। ऐसे जनरल स्टडीज़ में आप डेली करते हैं तो एक कुछ टेस्ट पेपर दिया आपने, कुछ क्वेश्चन टेस्ट दिया आपने, अपने आंसर्स इवेल्यूएट कराए, फिर आगे लर्न किया, फिर आगे रिवीजन करी, 3 से 4 घंटे डेली लगाएंगे तो आप अच्छी मेंस की तैयारी 60 दिन के अंदर टॉप क्लास कर लेंगे, है ना। उसी तरह से ऑप्शनल का है, ऑप्शनल जो भी आप ऑप्शनल रखें उसके टेस्ट पेपर लें और टेस्ट करें, किसी एक्सपर्ट से उसको इवेल्यूएट कराएं,
सो दैट कि आपको पता लगे कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ उसकी मेरी इफेक्टिवनेस क्या है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये हमें अपना सारी चीज़ों को प्लान करना है। तो ये थोड़ा सा एक था मेरे दिमाग में बात। तो इन ड्यू कोर्स आई विल टेक मोर लेक्चर, आई विल रिकॉर्ड अ लेक्चर ऑन हाउ टू प्रिपेयर जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज़ का हम सारा वेरिफिकेशन समझेंगे और देखेंगे कि जनरल स्टडीज़ में कितने कितने क्वेश्चन आप किस अप्रोच से बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। ऐसे ही ऑप्शन सब्जेक्ट पे हम लेक्चर लेंगे कि ऑप्शन सब्जेक्ट में कैसे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। राइट, नाउ द टाइम इज़ टू ऑर्गेनाइज योर मटेरियल, अपनी चीज़ों को इकट्ठा कीजिए, समेटिए। मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज अभी नहीं करूँगा। कल रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का त्यौहार आप सबको मुबारक, और आप उसको मनाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अगले 60 दिन आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ और बेस्ट अपना दे पाएँ इस एग्ज़ाम को। ठीक है, और अपना सारा मटेरियल आप ऑर्गेनाइज करिए। हम फ्राइडे को फिर मिलते हैं एंड वी विल डिस्कस जनरल स्टडीज़ सेक्शन। और हम आपके बेनिफिट के लिए कुछ कोर्सेज हमने अभिमन्यु ने स्टार्ट किए हैं। लाइक अभी हमने टेस्ट सीरीज़ अनाउंस करी है, जीएस की टेस्ट सीरीज़ है, कंप्लीट मॉक की टेस्ट सीरीज़ है, फिर इंग्लिश और हिंदी की टेस्ट सीरीज़ भी हम अलग से एक करेंगे। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। राइट, एंड देन वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग अ बैच फॉर इंग्लिश एंड हिंदी एंड जनरल स्टडीज़ मीन्स का। हम हर बार करते हैं, इस बार ठीक टाइम मिला है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, बिकॉज ये जो मेंस का हमारा बैच है जीएस का, वो काफ़ी सक्सेसफुल और बहुत फोकस्ड रहता है। क्वेश्चन आंसर अप्रोच पे हम चलते हैं एंड इसका अच्छा से एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए बड़ा अच्छा कोर्स माना जाता है ये। तो इसकी अनाउंसमेंट मैं डे आफ्टर टुमारो करूँगा इन द लेक्चर ऑन फ्राइडे। सो सी यू ऑन फ्राइडे और वी विल डिस्कस दिस स्ट्रेटजी इन फर्दर डिटेल। स्टे इन टच, ठीक है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन बटन दबाएंगे तो मेरे लेक्चर्स का आपको अलर्ट भी आ जाएगा। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रिपरेशन एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड एंड प्लीज लेट अस नो एनी हेल्प यू रिक्वायर इन योर प्रिपरेशन फॉर एचएस मेंस। राइट, थैंक यू वेरी मच।